कर रहे हैं, भय की राजनीति कर रहे हैं, डर दिखाने की राजनीति कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये अगर यहाँ के विधायक हो और हम जैसे हैं ऐसे रहे, इंशाल्लाह इनसे बढ़ती भाई। हमारो एक बालक खड़ा है ही, और अल्लाह के वास्ते सब भाई एक होके नहीं मिलके वोट डाल दे। हमारा पोठिया मोहल्ले से मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो पूरे उतरेंगे खड़े। इस भाई को देख रहे हो ऐसे शुरू से लास्ट तक देखना, और किसी भाई को जगह मत दो, फूट मत घेरो, हम सारे भाई एक हैं। और ये भी बात हकीकत है, तुम्हारे जोश को देख करके है नहीं, चौधरी अल्ताफ की बिल्कुल निश्चित जीत हो चुकी है। आने वाली 2 तारीख को सबसे पहले मोहर और वोट अल्ताफ की लेनी है और लड़का पर लगानी है। कोई ये मत देखना है कि मैं बाद में जाऊंगा, अभी भीड़ है, नहीं, हमने जाकर सबसे पहले मतलब ये वोटिंग करना है, ताकि पहले जीत होगी, बाकी शुरू में जीत होगी, लास्ट में जीत होगी। बाकी दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह खुदा का हुक्म होगा, तुम 2 तारीख को चुनाव जीत जाओगे। और भी बंदी ही मोहल्ला कुरेशियान में जितने भी परिवार है सबने जो है अल्ताफ के पगड़ी बांधी, और ये चुनाव जो है हमारा आपका सबका है, अल्ताफ का चुनाव नहीं है। हम तो एक बात कह रहे हैं, हाथ जोड़े सु भाई, सारे भाई मिलकर अल्ताफ का साथ दे और इसको कामयाब बनाओ। देखो ये चुनाव बहुत बड़ी चीज होती है, इसका फैसला जो है आप ढंग से लो। कहते हैं ना कि चुनाव हमारा है, सबका है, थोड़ा बैठ के इसका थोड़ा आदमी करे सोच विचार करके, क्योंकि सरपंच पहले और भी आए, और सरपंच अल्ताफ जो है इंशाल्लाह ताला तुम्हारे बीच में खड़े उतरेंगे। सबसे पहले सरपंच भी नहीं था, लेकिन फिर भी गांव के विकास के बारे में चंडीगढ़ तक जहां भी इसकी जरूरत पड़ी वहां गया पब्लिक के काम के लिए, विकास के लिए। हमारी तो आपसे हाथ जोड़ के एक अपील है, कैसे भी भाई हाथ जोड़े से जो अल्ताफ भाई को वोट दो। जहन से और निकल गई, आप सब भाइयों को याद दिला रहा हूँ, किसी भाई से, किसी वोटर से, किसी कैंडिडेट से कोई झगड़ा फिसाद कोई बात नहीं करनी है। तुम चुनाव जीत रहे हो, आने वाली जो पार्टी है चिड़ने वाली तुमसे छेड़खान भी करेंगी, लेकिन नहीं अपना भाई समझ करके उसको कोई बात नहीं गले से लगा दे, कोई झगड़ा फिसाद नहीं करना किसी से। सलाम वाले देख तो रहे भाई, यू आम जनता को चुनाव है, यू कोई अमीर और उनको चुनाव कहना है। साथियों ये बड़ी बहू अगर माने तो ठीक है, ना माने जब भी ये चुनाव है तब आपके पार लगाओ। यू बिल्कुल गरीब आदमी उनको चुनाव है, जैसे आम जनता हीन खड़ी है, काहे को माइक पे बोलन लुम्बन ना कर रहा हूँ। अगर कोई ठोंडी और कोई ठोंडा होता ना जिनने 10-10, 20-20 हजार रुपए हमारे तार लिए रखे, माइक भग के पकड़ लेते नुकनी धर्म खा जाओ समर को। गेट लगा ले, यू चुनाव आपन को है, आम जनता को है, गरीब को चुनाव है, यू अमीरन को और उन धर्म डुबेड़िया को चुनाव ना है जिनने हमसे 8-10 साल 5 साल पहले जो धर्म कसम ले रहा है कि हम आपके सामने लड़ाएंगे, वे ऐसे भगे पड़े जैसे भाई जो भैंस छोड़ गए जो भग जाए ऐसे भगे पड़े। जिनने ये झूठो कसम और धर्म डूबे रखे ना, इन लोग इनकी औकात है, बता दो इनकी औकात हमारे नजीक है कितनी, इनकी औकात हमारे नजीक। साथियों अगर आज हम मिलके चले इंशाल्लाह 7-8 दिन के बाद चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, और आपने इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकूं आप जीते पड़े हो चुनाव।
पेट गर्म क्यों कर चली गई लगनी पर पानी।